उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उच्च मार्ग से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और फोर लेन संघर्ष समिति के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मनाली विधानसभा के विधायक भुवनेश्वर गौड भी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को बैठक में लिए गए निर्णय का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। आज बेसिकली हमारे NHAI और जो हमारा NH 305 है, इन दोनों नेशनल हाईवेज को लेकर विभिन्न जो हमारे पास इश्यूज हैं, जो समय समय पर हम उनको पहले भी रिव्यू करते आए हैं, उन सब इश्यूज को हमारे सभी ऑफिशियल्स और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ आज इनको डिस्कस किया गया। मैं माननीय विधायक मनाली का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो भी इस मीटिंग में आए। उन्होंने भी जो मनाली विधानसभा क्षेत्र से NHAI से संबंधित इश्यूज थे उनको इस मीटिंग में रखा। तो इसमें बहुत सारे इश्यूज हमारे पास लोगों द्वारा रेज़ किए गए हैं, क्योंकि स्पेशली अगर हम इस समय की बात करें तो अब टूरिस्ट सीज़न जो है वो ऑलमोस्ट पीक पे आने वाला है, और चाहे वो रोड की प्रेजेंट मेंटेनेंस को लेकर इश्यूज़ हों, बहुत सारी जगह पे ड्रेन्स ठीक नहीं हैं, कुछ जगह पे लोगों की फुट ओवर ब्रिजेस की डिमांड्स हैं, या कुछ ऐसे स्ट्रेचेज हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स बड़े फ्रीक्वेंट हैं, तो चाहे उन स्ट्रेचेज को उन जो एग्जिस्टिंग चौक है उनको रिमॉडल करने की बात है या वहाँ पे कुछ स्लिप लेन्स देने की बात है, तो इन सब तमाम विषयों पे चर्चा की गई। रोड की मेंटेनेंस की जो है बहुत जगह पे ज़रूरत है, जहाँ हम देख रहे हैं कि पॉट होल्स हैं या ड्रेन्स प्रॉपर होने की ना होने की वजह से जो है वो रोड की कंडीशन ठीक नहीं है, या कई जगह पे जो है लैंडस्लाइड हैं जिनको प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं किया गया, तो इन सब चीज़ों पे बड़ी डिटेल में चर्चा हुई है। और इसमें NHAI के अधिकारियों द्वारा जो है वो टाइमलाइंस दी गई हैं। देवधार का बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, इसको लेकर भी आज चर्चा हुई। इसमें IIT रोपड़ द्वारा जो है वो इसका सोल्यूशन दिया गया है और उसके एस्टिमेट्स जो है वो NHAI द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो जैसे ही एस्टिमेट्स तैयार होते हैं तो उसके टेंडर लगाए जाएंगे और इसमें भी प्रोटेक्शन वर्क एज पर IIT रोपड़ की रिकमेंडेशन के मुताबिक जो शुरू किया जाएगा। CD चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।